पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो प्रकाश संश्लेषण पढ़े थे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित और भी बातें जाने थे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है पादप में आंतरिक परिवहन। पादप में आंतरिक परिवहन देखेंगे कि जिस प्रकार मानव में रक्त का पूरे बॉडी में रुधिर वाहिनियों से होते हुए परिवहन क्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार पौधों में भी परिवहन क्रिया होती है, लेकिन पौधों में रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है, हृदय नहीं पाया जाता है। पौधों में जो भी भोजन होता है, भोजन लिक्विड के रूप में बनता है, तरल के रूप में बनता है, जो पत्ती की कोशिका में बनता है, और पौधे अपने जड़ों से जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। अगर इन सभी पदार्थों को, भोजन को, जल को, खनिज लवण को पूरे बॉडी में पौधों को नहीं पहुंचाया गया तो फिर पौधे को जीवित रहना मुश्किल है। इसलिए पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए पौधों में भी क्या होता है, परिवहन क्रिया होती है, जो शरीर के एक स्थान से शरीर के दूसरे स्थान तक जल, खनिज लवण और भोजन को पहुंचाया जाता है। तो देखेंगे इसमें पौधों में जो परिवहन क्रिया होती है उनमें दो तंत्र होते हैं, यही दो तंत्र मिलकर परिवहन क्रिया को संपादित करते हैं। वो कौन कौन से तंत्र है? पहला तंत्र है जाइलम तंत्र, जाइलम सिस्टम कहते हैं। दूसरा तंत्र जो होता है फ्लोएम तंत्र है। जाइलम तंत्र का कार्य क्या है? तो जाइलम तंत्र का आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे, जाइलम तंत्र का कार्य है कि जो भी जल होता है और खनिज लवण होता है उसको लेकर पौधे के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करना, और फ्लोएम तंत्र का कार्य है कि पत्ती की कोशिकाओं में बने हुए भोजन को लेकर पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। यानी भोजन का परिवहन जाइलम तंत्र करता है और जल का परिवहन जाइलम तंत्र करता है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इनमें देखिए पहले जाइलम तंत्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि जाइलम तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। उनमें भी पहले हम पढ़ेंगे पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम तंत्र करता है। तो देखेंगे पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, दो भागों में परिवर्तन करेंगे। पहला जो है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, और दूसरा जो है जल में पानी का जड़ में पानी का संवहन। ये दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, पहले इसको हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग के रूप में पहले इसको बनाकर समझेंगे कि जब पौधों में जल का परिवहन जो होता है मूल रूपों द्वारा किस प्रकार जल का अवशोषण किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए मूल रूप के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो पौधे की जड़ें होती हैं, जड़ प्रमुख जड़ों से पतली पतली धागे नुमा संरचना निकली होती है जिसे मूल रूम कहते हैं या रूट हेयर कहते हैं। यहाँ देखिए ये जड़ का अनुप्रस्थ काट, जड़ को अगर इस प्रकार काटा जाए और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पे हम आधा हिस्सा ही बनाए होंगे, पूरा बनना चाहिए क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए हम पूरा नहीं बनाए, आधा हिस्सा में ही हम लोग समझ लेंगे, काफी है। तो ये है मूल रूम जो पतले धागे के समान निकला। मूल रूम जो होता है यह मिट्टी के जो कण होते हैं उसके अंदर धंसा रहता है, और मूल रूम के चारों ओर छोटे छोटे मिट्टी के कण पाए जाते हैं, और इन्हीं मिट्टी के कणों के मध्य खाली स्थान होता है, उसी में जल पाया जाता है, और इस जल को हम केशकी जल कहते हैं। केशकी जल को ही पौधे अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जल होता है। अब जल का अवशोषण किस प्रकार मूल रूम करता है इसके बारे में देखेंगे। मूल रूम जो होता है इसकी कोशिका होती है, और उनकी कोशिकाओं में एक बड़ा सा रिक्तिका होता है, रिक्तिका के अंदर कोशिका रस या रिक्तिका रस भरा होता है। उस रिक्तिका रस में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, अन्य पदार्थ भी उसमें घुले होते हैं, आयंस भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, घुले होते हैं, जिनके कारण रिक्तिका रस जो होता है उसका तरल पदार्थ गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के कारण ही देखेंगे कि गाढ़ा होने के कारण ही
पराशरण दाब उत्पन्न होता है, क्योंकि रिक्तिका रस का पराशरण दाब या रिक्तिका के कोशिका का पराशरण दाब जल के पराशरण दाब से अधिक होता है और जल का सांद्रता कम होती है, जबकि रिक्तिका रस की सांद्रता अधिक होती है। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन से यहाँ पे है। तो जिनके वजह से जल जो है पराशरण दाब अधिक लगने के कारण जल जो होता है वह उनके अणु गति करते हुए अर्धपारगम्य झिल्ली, ये देखेंगे मूल रोम के चारों ओर एक पतली सी आवरण होती है जो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। इस झिल्ली से जल आर पार होकर किसमें प्रवेश कर जाता है, मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार मूल रोम जल का अवशोषण कर लेता है। बस यहाँ पर इतना ही हम लोग जानेंगे, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण में बस इतना ही जानना है कि मूल रोम किस प्रकार जल का अवशोषण करता है।